बाकी तो उस वैद्य को जिंदा हत्या किया उसको बाद में देखूंगा। चलो मेरे सरकार भगवान अध्यक्ष है बहुत मर्यादा व्यवस्था किया जाए आज उसके सुगंध में यह सब उठे हमारे भैया श्री राम निरंजन जी मिस्त्री टाइल्स वाले आप ग्राम आपकी ओर से कुंभकर्ण को खाने के लिए 20 रुपए दिए हैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
कहां कुंभकर्ण? आज कैसे आपका मुख खुला हुआ है? वो डोरा रख तो अंदर कथा कही सर चाहिए अभिमानी राम लखन कर पहुंची वहां सुपंखा महिला नाच दार दिन कर दिया रोटी चिल्लाती भाग चली हर दूतल से खबर जब खबर कर भूत तो सैन सहित लड़ने धारा क्या कहे विधाता मान हुआ क्या शाम फिर आगे बताइए फिर मैंने दर्शन मरीच को कंचन मृगभेद बनाया था और सूर बीच उस पंचवती से सीता को हरण जो मैंने तुझे सुना दिया सेवक है यह है आपने बहुत भुला की आहा बंद तीन पटाई अरे भाई जो तू कहता है कि वह पर है
अब आइए और भेंट करते हैं और फिर मैं देखता हूँ अपने हीरो ऐसे ही भाई की मुझे जरूरत थी। कुंभकरण जब तुम्हारे लिए भोजन का व्यवस्था किया गया है तो महेश जो भी पान करना है करो और भाई का ही अपमान का बदला लो जाओ। नहीं प्रभु, इसको जन्म से ही इतना विशाल काय शरीर मिला है। ठीक है सखा, यदि रावण ने अपने बेकसूर भाई को भेज ही दिया है युद्ध के लिए, झोंक दिया, तो आने दीजिए। प्रभु यदि आपकी आज्ञा मिले तो मैं जाऊं अपने भाई से मिल लूं। ठीक है सखा, आप अपने बड़े भ्राता से जाके मिलिए और समझाइए उसको
कि अपने महल में लौट जाए या हमारे सेना में आ जाए तो बेकसूर बद होने से बच जाएगा, उसका कोई कसूर नहीं है। देख भी परम पिता परमात्मा से बहन करके और जगत जननी माँ सीता का हरण करवाया है। और जब मैं उनको बारंबार समझाया कि वो परम पिता परमात्मा है, उनसे बहन मत करिए, वो सीता नहीं वो जगत जननी माँ है, इसलिए उनको आदर सहित उनको लौटा आइए। लेकिन उन्होंने मेरे बात को नहीं माना और मुझे अपने राज्य से लात मार के भगा दिया। तब मैं आकर के प्रभु के शरण में आया हूँ भ्राता। करिए और इस लंका में कोई न कोई रहे, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप राम के शरण में चले जाइए ताकि लंका की रक्षा हो सके। धन्य है विभीषण, धन्य है जो आप रघुनाथ जी के सेवक में काम कर रहे हैं, धन्य है आप। बंधु बंधता उजागरा, आप जो राम जी का भजन कर रहे हैं, धन्य है आप, हमारे कुल को उज्जवल कर दिए। मुझे आगे पीछे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं भैया, कम से कम आप तो बात मान लीजिए और महल की ओर लौट जाइए। नहीं, मैं तो काल के बस में हूँ, मैं किसी का बात नहीं सुनना चाहता।